Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी F34 है और आपको इस फोन में करना है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इस फोन में आप किस तरह से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन में कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए फोन के डायलर को ओपन करने के बाद 3 डॉट देखने को मिलेंगे राइट हैंड साइड, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको रिकॉर्ड कॉल का फीचर मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन करना चाहते हो उस फोन में, तो यहाँ से ऑटो रिकॉर्ड कॉल के लिए ऑन कीजिए और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन हो जाएगी। वैसे दो और डिफरेंट तरीके मिल जाते हैं कॉल रिकॉर्ड करने के। एक तो यहाँ पे आप अननोन नंबर की ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सभी नंबर की नहीं होगी, तो मतलब जो नंबर सेव नहीं होंगे उनकी हो जाएगी, जिसके लिए आप कॉल विद अनसेव नंबर के लिए क्लिक करके रखिए। अगर आपके 2-4 ऐसे नंबर है जिनकी केवल आप ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप कॉल इस वाले नंबर पर क्लिक कीजिए, नंबर एंड ऑटो रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद उन नंबर को आप यहां से इस तरह सेलेक्ट करने के बाद डन कर दीजिए। अब आपके जो नंबर आपने सेलेक्ट किए होंगे उनकी केवल कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी।